नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से दुनिया के पसंदीदा नेता बन चुके हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर किसने इस बात का फैसला लिया है कि मोदी जी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं, या फिर मन में प्रश्न आएगा कि किस प्रकार से इसका डिसीजन होता है कि कौन दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है। तो आज के सेशन में चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं पिछली कुछ घटनाओं से, जहां आपको इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मिलानी कहते हुए पाई जाती हैं कि मोदी जी मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये कहा है इटली की पीएम ने। इसके बाद आप खबर देखते हैं एक और, जो बाइडन की। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका के दौरे पर थे, उस समय जो बाइडन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हुए नज़र आते हैं कि एवरीवन फ्रॉम मूवी एक्टर टू रिलेटिव्स यू आर टू पॉपुलर, कि आप जो है सब जगह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, कि इससे मुझे समस्या होती है, हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलने के लिए मुझसे कह रहा है। ऐसा जो बाइडन के द्वारा पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब कहा गया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानी जो हैं उनके द्वारा कि पीएम मोदी इज़ द बॉस। पूरी भरी सभा में इनके द्वारा कहा जाता है कि पीएम मोदी इज़ द बॉस। इसके बाद आप देखते हैं पापुआ न्यू गिनी नाम का जो एक देश है, वहाँ की यात्रा पर पीएम मोदी जाते हैं और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पीएम मोदी का पैर छूकर अभिवादन करते हैं। और इसके बाद आप खबर देखते हैं हंगरी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मोदी जी की भूरी भूरी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वी रिस्पेक्ट पेट्रियोटिक पॉलिटिशियंस, कि हम देशभक्त जो पॉलिटिशियंस हैं उनका सम्मान करते हैं, ऐसा मोदी जी के बारे में कहा जाता है। रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, वो भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहते हैं वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पार्टनर इंडिया, कि भारत से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह से ये जो अमेरिका के एक सोशलॉजिस्ट हैं वो भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नज़र आते हैं। और इसी के साथ द इकोनॉमिस्ट के अंदर आप एक खबर छपी हुई देखते हैं, नरेंद्र मोदी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, कि मोदी जी जो हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। और इसी के चलते एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अंदर खबर आई है कि आफ्टर सक्सेसफुल G20 समिट, कि G20 समिट के सक्सेसफुल होने के बाद पीएम मोदी रेटेड टॉप ग्लोबल लीडर, कि पीएम मोदी को टॉप ग्लोबल लीडर रेट किया गया है। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी सिक्योर्स हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग अमंग ग्लोबल लीडर्स, कि हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मिली है ग्लोबल लीडर्स में। अब ये अप्रूवल रेटिंग क्या है इसको भी जानेंगे। पीएम मोदी रिमेंस मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विद 76% रेटिंग। आपके मन में प्रश्न आएगा कि फिलहाल G20 के अंदर पीएम मोदी जो हैं वो G20 होने के बाद से, हो सकता है लोगों ने इनको वोट दिया हो एकदम से, लेकिन आप खबर देखते हैं पीएम मोदी रिमेंस की काफ़ी लंबे समय से ये चल रहे हैं नंबर वन पर। 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी नंबर वन पर रहे। इसी के चलते आप फरवरी 4, 2023 की ये जो रेटिंग आई है, ये आपने सितंबर की देखी, उससे पहले 4 फरवरी 2023 के अंदर भी पीएम मोदी इमर्जेस एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर विद अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। मतलब पहले इनकी जो रेटिंग थी वो 78% थी और अब 2% रेटिंग गिर गई है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं पीएम मोदी, मोस्ट पॉपुलर लीडर ग्लोबली। आप ये खबर देखते हैं 2022 की, 2022 में भी पीएम मोदी बने हुए थे मोस्ट पॉपुलर लीडर। साथ में आप देखते हैं खबर ये है 2022 की, अगस्त 2022 की, फिर से पीएम मोदी मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 75%, 75% रेटिंग के साथ थे, सर्वे की इसी रिपोर्ट में आया था। और 2020 में जब झांका गया तब पाया गया कि पीएम मोदी 2020 में भी टॉप मोस्ट ग्लोबल लीडर बने हुए थे। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं, इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट 64% के साथ, और दूसरे मैक्सिको के राष्ट्रपति जो हैं वो तीसरे नंबर पर, एंड
एड्रेस मैनुअल लोपेज अब्रेडोर जो हैं वो तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। अब ये किस प्रकार से जारी की जाती है तो आप देखते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार से लोगों की जो दुनिया भर के टॉप लीडर्स हैं उनकी जो रेटिंग है वो निकल कर आई है। मोदी जी इसमें टॉप पर 76% जो लोगों के द्वारा इनको अप्रूव किया गया है। जून 2023 की रेटिंग आपने देख ली, ये आप देख सकते हैं इसमें भी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर बने रहे थे। पीएम मोदी रिटेन्स टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर 75% अप्रूवल रेटिंग। अब ये किसके द्वारा जारी की गई है तो ये है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे नाम की एक एजेंसी, अमेरिकी कंपनी है, इसके द्वारा ये रेटिंग जारी की गई है। पीएम मोदी लगातार टॉप पर बने हुए हैं, कितनी लोकप्रियता कहां थी हालांकि न्यूज के माध्यम से हमने देख लिया, आप चाहें तो एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हैं। तो मॉर्निंग अप्रूवल जो कंपनी है उसके द्वारा एनी टाइम कुछ इस तरह से जो लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग है और साथ में डिसअप्रूवल रेटिंग है उनको कुछ इस प्रकार से लगातार वोटिंग वगैरह इनके द्वारा की जाती है। इसी के चलते अमित शाह जी जो हैं वो भी ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि पीएम मोदी रिमेंस मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड लीडर पीएम मोदी बने हुए हैं। इसी के चलते भारत के अंदर राजनीति में थोड़ी सी हलचल भी देखने को मिलती है क्योंकि इस रेटिंग का फ़ायदा जो है उसी को मिलने वाला है जो कि मोदी जी की पार्टी के अंदर है या फिर मोदी जी और 2024 के जो आगामी चुनाव हैं इसके अंदर जो पार्टी है बीजेपी वो ज़रूर इसका लाभ लेने की सोचेगी। इसी के चलते जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कहते हैं कि जो बीजेपी के द्वारा दिखावा किया जा रहा है कि क्या पीएम मोदी को ऋषि सुनक साहब के साथ इलेक्शन लड़ना है, क्या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो ये जो प्रोपोगंडा इनके द्वारा फैलाया जा रहा है ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाया जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के लीडर के द्वारा। मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जिसके द्वारा ये रेटिंग जारी की गई है ये क्या है। तो ये जो है अमेरिका की एक कंपनी है, कैसी कंपनी है, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है ये, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और बड़ी बात ये है कि इसकी जो रेटिंग्स है वो डेलॉयट नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके द्वारा अप्रूव की जाती है। डेलॉयट जो कंपनी है दुनिया की चार सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं कंसल्टिंग फर्म्स हैं उनके अंदर ये शुमार रहती है। वर्ल्ड लीडर रेटिंग्स के अंदर आप देखते हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग तरह से ये रेटिंग दी जाती है। जिस तरह से मॉर्निंग कंसल्टिंग एजेंसी के द्वारा ये रेटिंग आई है उसी तरह से स्टेटिका की अपनी एक अलग रेटिंग आती है। इसी तरह से टाइम मैगजीन भी अपनी अलग प्रकार की एक रेटिंग देता है तमाम लीडर्स को। टाइम के और टाइम मैगजीन और मोदी जी का बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता, इसके अंदर आपको मोदी जी कहीं लिस्ट के अंदर नज़र नहीं आते या फिर इनके कवर पर नज़र नहीं आएंगे। उसी तरह से फोर्ब्स जो है उसके द्वारा अपनी एक अलग लिस्ट जारी की जाती है। फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसमें नरेंद्र मोदी जी आपको नवे स्थान पर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि जो एजेंसियां हैं इनके अपने अपने अलग अलग मानदंड होते हैं, अलग अलग प्रकार से ये ग्लोबल लीडर्स को प्रदर्शित करती हैं। मॉर्निंग कंसल्टिंग फर्म जो है उसके अनुसार मोदी जी पहले स्थान पर बने हुए हैं। इसी प्रकार से गैलप इंटरनेशनल जो है वो उसके अनुसार पीएम मोदी तीसरे नंबर के जो टॉप लीडर हैं वो बने हुए हैं पॉपुलैरिटी के। प्यू रिसर्च जो है अपनी एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। डेलॉयट कौन सी कंपनी है जो कि मॉर्निंग कंसल्टिंग एजेंसी जो कंपनी है मोदी जी को जिसने टॉप पर रखा है, ये कंपनी आप देखते हैं ये एक यूके बेस्ड कंपनी है और वन ऑफ द रेपुटेड बिग फोर अकाउंटिंग कंपनीज, ये जो है टॉप मोस्ट जो अकाउंटिंग कंपनी है उसमें शामिल रहती है। और इसके द्वारा जब अप्रूवल दिया जाता है तो मॉर्निंग कंसल्टिंग एजेंसी का जो अप्रूवल है उसको कहीं हद तक सही माना जाता है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जो जारी किया गया है मॉर्निंग कंसल्टिंग के द्वारा, ये क्या है, डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी जो है मॉर्निंग कंसल्ट ने 14 सितंबर को ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जारी किया गया। ये अप्रूवल रेटिंग 6 से 12 सितंबर के बीच इकट्ठे किए गए डेटा के आधार पर दी गई है जिसमें कई देशों के लोगों से बात कर ग्लोबल लीडर्स के बारे में अपनी राय जानी गई। इस लिस्ट में 22 देशों के नेताओं को शामिल किया गया है जिसमें ज़्यादातर G20 के मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर ये जो रेटिंग है मोदी जी वाली इसके अंदर दुनिया के सभी नेता या सभी देश शामिल नहीं हैं बल्कि 22 देशों का इनके द्वारा परिणाम दिया गया है जिसमें G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी शामिल हैं लगभग। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मॉर्निंग कंसल्ट का एक प्लेटफॉर्म है जो राजनीतिक चुनावों, निर्वाचित अधिकारियों और मतदान के मुद्दों पर रियल टाइम में पोलिंग डेटा प्रदान करता है। मॉर्निंग कंसल्ट प्रतिदिन 20,000 से अधिक ग्लोबल इंटरव्यू आयोजित करता है। कौन है मॉर्निंग कंसल्ट और कैसे करती है काम, तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल
पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ग्लोबल लेवल पर गवर्नमेंट लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग्स और कंट्री ट्रेजेक्ट्रीज को ट्रैक करने का काम करती है। यह 13 देशों को ट्रैक कर रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन और ब्रिटेन शामिल हैं। इन तमाम देशों के लोगों से तमाम सर्वे किए जाते हैं और प्रश्न के जवाब मांगे जाते हैं। अब कैसे बनती है अप्रूवल रेटिंग, आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे। ग्लोबल लीडर डेटा किसी निश्चित देश में सभी वयस्कों के 7 दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित है। कुल मिलाकर किसी भी देश के अंदर 7 दिन तक एक मूविंग एवरेज चलता है, उस पर आधारित होती है। अमेरिका में एवरेज सैंपल साइज लगभग 45,000 है। कुल मिलाकर अमेरिका, पूरा जो अमेरिका है, उसके अंदर 45,000 लोगों से जो तमाम लीडर्स हैं उनकी रेटिंग पूछी जाती है। इसी प्रकार से जो अन्य देश हैं जिसके अंदर सर्वे किए जाते हैं, उसमें जो सैंपल का साइज रहता है वो 500 से 5,000 के बीच रहता है। सभी इंटरव्यू राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ही आयोजित किए जाते हैं। सर्वे को प्रत्येक देश में आयु, लिंग, क्षेत्र और कुछ देशों में शिक्षा आधारित आधिकारिक सरकारी स्रोतों के आधार पर वेटेज भी दिया जाता है। सभी साक्षात्कार वयस्कों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूनों के बीच ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं। भारत में नमूना साक्षर आबादी का प्रतिनिधि है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वेक्षणों को नस्ल और जातीयता के आधार पर भी महत्व दिया जाता है। उत्तरदाता जो होते हैं इन सर्वेक्षणों को अपने देश के लिए उपयुक्त भाषाओं में पूरा करते हैं। अलग अलग देश की अलग अलग लैंग्वेज है, उसी के आधार पर लोगों से जानकारी इकट्ठी की जाती है। प्रत्येक देश में पेशेवर अनुवाद कंपनियां प्रत्येक सर्वेक्षण के लिए अनुवाद और स्थानीयकरण का संचालन करती हैं। ये था पूरा मामला, किस प्रकार से ये लिस्ट जारी की जाती है। कुल मिलाकर अलग अलग देश में अमेरिका के अंदर 45,000 लोगों से पूछा जाता है और जो अन्य देश हैं उसमें किसी में 500 किसी 500 से लेकर और 5,000 लोगों के बीच में कोई भी सैंपल साइज रहता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपको जानना है कि समुद्र का पानी कितना खारा है, तो आपको पूरा समुद्र पीने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा कुछ बूंदें आप समुद्र में से चख कर देख सकते हैं कि इसका पानी खारा है। उम्मीद है साथियों पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से पसंद आया हो। कमेंट के माध्यम से आपकी राय क्या है जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार पधारे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।